आज 22 तारीख की हड़ताल का असर रोहिणी के अंदर पूरी तरह से नजर आ रहा कि देख लो रोड खाली पड़े हुए हैं, कोई भी ऑटो या टैक्सी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और जबकि सुबह का टाइम में काफ़ी भारी मात्रा में ऑटो टैक्सी नज़र आती थी, लेकिन आज पूरी तरह से बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, ये देख लो। ये देवभूमि कुनिहा टैक्सी यूनियन की वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, आज के बंद के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। आज जहां बहुत से मित्रों ने ये प्रयास किया था कि बंद असफल हो, मैं तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके असहयोग के करने हमारा बंद ज्यादा कामयाब रहा, क्योंकि जहां हमारा प्रचार नहीं पहुंच पा रहा था उनके कहने से हमारा प्रचार वहां पहुंच पाया, और जिन भाइयों को नहीं पता था उन भाइयों को पता लगा और उन्होंने बंद के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कहने को बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर कहीं भी ये देखना हो कि गाड़ियां कहां कम है तो सर्च के ऊपर हम ध्यान देते हैं। आज तमाम दिल्ली NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, सब जगह लाल लाल आपको नजर आया, चाहे ओला का ऐप खोला हो चाहे उबेर का खोला हो। जहां तक टूरिस्ट गाड़ियों का सवाल है, अगर प्रेस की गाड़ियां छोड़ दी जाएं तो तमाम गाड़ियां आज ऑफ रोड रही और सभी ने मिलजुल कर इस कार्य को सफल बनाया। सभी का मित्रों का जो प्रयास था, जो डिमांड थी कि हमारे ओला उबेर के जो भाड़े उनको बढ़ाया जाए, ओला उबेर और वन वे की से जो परेशानियां हमारे टैक्सी ट्रेड को और इसको ख़त्म की जाएं, जो परमिट नेशनल 1000 से 26000 रुपये हो गया है उसकी तरफ, वह जो मोटर वाहन अधिनियम 2021 जो बना है जिसके अंदर आज फाइन का प्रावधान इतना बढ़ गया कि कोई पार्किंग में जा रहा है, कोई पानी पीने के लिए रुक रहा है, सवारी उतार रहा है, चढ़ा रहा है, उसकी फ़ोटो खींच के चलान कर देना, इन सब चीज़ों के लिए आज हम लोगों ने सफल प्रयास किया है। और ये मैसेज सरकार को गया है, और ये मैसेज जाने से क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैसेज जाने से सरकार को हमने बताया कि एक दिन का हमारा पूरा भारत, उत्तर भारत बंद है, अगर आपने आगे हमारी मांगे नहीं मानी तो अब के साथ ऑटो, टैक्सी, टेम्पू, ट्रक, बस सभी एक साथ एक मंच पर आकर पूरे भारत को बंद का सामना करना पड़ेगा। हमें अफसोस है, हमें खेद है जिनको हमारी वजह से तकलीफ हुई, परंतु अपनी बात रखने का और कोई तरीका भी तो हमारे पास नहीं। हमने चिट्ठियां ढेरों कर ली, हमने बंद, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, धरना, रैली सब निकाल के देख लिया, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से आज आप लोगों ने जो प्रयास किया है, छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो आज सफल बंद रहा है, शांतिपूर्वक रहा है। 2-3 थानों में मुझे जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो कुछ लोग वहाँ डिटेन हुए थे, वो सभी ऐसा ऐसा फ़ोन आ रहे हैं उनको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आपस में हमारे दो ग्रुप लड़ पड़े थे, जो विरोधी लोग थे वो आके बीच में हस्तक्षेप करने लगे, मौके पे आके उनसे कामयाबी हमारी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं तो आज आप सभी से कहना चाहूँगा, आप उसकी पहचान करें कि उनको आखिर बंद का विरोध करने का कारण क्या था। तो पुनः फिर आप सभी को धन्यवाद आज के बंद को सफल करने के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।